हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि आफ्टर प्रेगनेंसी आप अपना बेली फैट सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में कैसे इजीली लूज कर सकते हैं। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ बहुत ही इफेक्टिव है और रियल में 5 दिनों के अंदर ही आपका बेली फैट जो है छू मंतर हो जाएगा कह सकते हैं, और आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प भी होगी। ना तो आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, ना ही आपको कोई ग्रीन टी या फिर कोई भी चीजें पीनी है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक सिंपल सी चीज करनी है, पुराने से पुराना बेली फैट भी। दोस्तों, मैं ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आराम से आप लूज कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर तुरंत जो प्रेगनेंसी के बाद के जो लोग ट्रिक बताते हैं वो तो कुछ लोग फॉलो कर लेते हैं बट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी का बेबी अभी भी 3 साल का, 4 साल के हो चुके तो भी उनका बेली फैट अभी भी वैसा का वैसा है। सब कुछ कर लिया, ब्रेस्ट फीड करा लिया बच्चे को, एक्सरसाइजेस कर ली, तो ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर आपका बेली फैट नहीं जा रहा है तो ये आपके लिए वीडियो है दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ यही मेरा मेन टॉपिक है। और जैसे दोस्तों हम सबको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम सब सारी लेडीज जितनी भी हैं सब वेट गेन करते ही करते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, हमको सब बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वेट गेन होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। इस चीज में हम लग जाते हैं कि हम अपना कैसे वेट लूज करें। वेट लूज हम सारे जो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट है सारा वेट लूज हो जाता है, बट एक जो पर्टिकुलर पार्ट है यानी बेली जो है वो उसका फैट नहीं ही जाता है, चाहे कुछ भी हम कितना भी ट्राई कर लें। आज एक ऐसी ट्रिक मैं बताने वाली हूँ जिससे आपका बेली फैट छू मंतर हो जाएगा और आपको इसका असर पहले ही दिन से दोस्तों नोटिस हो जाएगा। अगर आपको ना नोटिस हो प्लीज मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि हाँ ये अगर इफेक्ट नहीं कर रहा है तो ठीक है। ये मैंने खुद पे अप्लाई किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। मैंने भी अपना बेली फैट जो है काफी हद तक कह सकते हैं लूज कर लिया है, काफी हद तक मेरा बेली फैट बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करती हूँ अपना वीडियो बताने का कि कैसे आप अपना बेली फैट घटा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, इन द मॉर्निंग जैसे ही आप उठती हैं, लेडीज को बहुत ज्यादा रश होता है सीधा किचन में भागने का। ऑब्वियसली सारी लेडीज को काम करना होता है, उनको किचन में जाना ही पड़ता है। जैसे ही आप उठते हैं, खाली पेट आप उठे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो बेली एरिया है वहां पे आपको एक स्ट्रेचेबल, कोई भी क्लोथ बोलते हैं ना, एक स्ट्रेचेबल क्लोथ ले लेना है। अपने बेली फैट पे जहाँ पे भी आपका जो चर्बी या फिर कह सकते हैं कि जहाँ थुलथुल वाला बॉडी पूरा बेली हो चुका है वहां पे आपको विक्स वेपोरब लगाना है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है विक्स वेपोरब, आप मेरा शायद बिलीव नहीं करेंगे बट एक दिन आप करके प्लीज देखना, ये मेरी कह सकते हैं सजेशन है आपको, आप विक्स वेपोरब ट्राई करना। अगर आपके घर में वो नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी है नवरत्न तेल। दोस्तों नवरत्न तेल भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसमें कैम्फर होता है और बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। आप अपने बेली फैट पे नवरत्न तेल या फिर विक्स वेपोरब दोनों में से कोई भी एक चीज या फिर दोनों चीज जैसे जो आपको ठीक लगे आप लगा लीजिए। उसके बाद जो स्ट्रेचेबल कपड़ा है उसको अपने बेली पे ऐसे बाइंड कर लीजिए, प्रॉपर फिट करके बांध दीजिए, अच्छे से बांध के रखिए। ठीक है, फिर आपको अपना जो भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं आप अपना घर का काम शुरू कर दीजिए। आप अपना घर का काम इसको पहने हुए ही करिए, स्ट्रेचेबल क्लॉथ या फिर आप ऐसा ले सकते हैं जिससे पसीना आपका जो निकलता है ना वो इतना ऑब्जर्व ना हो, थोड़ा पसीना निकले, आपको तुरंत फील होने लग जाएगा कि आपको बहुत सारा पसीना आ रहा है। और पसीना आना ही बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अच्छी चीज होती है। जैसे हम कहते हैं ना, लोग बेल्ट यूज करते हैं यहाँ पे स्टमक पे, वो बेल्ट भी यही करता है, पसीना लाता है जिससे बेली फैट लूज हो जाता है। बट अगर आप नहीं ले पा रहे हैं बेल्ट या फिर इतना ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, सिर्फ एक कपड़ा ले लीजिए या फिर आपके घर में अगर क्लीन रैप है तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। क्लीन रैप आप अपने पेट पे बेली पे लगा दीजिए और उसके बाद अपने घर के जितने भी आप काम करते हो उसको पहन कर ही कीजिए।
ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है कि आप उसको लगा के कुछ कर नहीं सकते, कोई एक्सरसाइज करिए, कोई जरूरत नहीं एक्सरसाइज करने की। अगर आप कर रहे हैं एक्सरसाइज तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको पहन के एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज है कि आप अगर घर का काम नहीं करते हैं, सपोज बहुत लोग हैं जिनके घर में मेड आती है, तो आप बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं ये कि आप कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, एक स्किपिंग होती है ना, स्किपिंग करिए आप जितनी कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप स्टार्टिंग कीजिए 3 मिनट से, फिर आप धीरे 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 5-10 मिनट तक आ ही जाएंगे। 10 मिनट तक भी अगर आप डेली बेसिस पे सुबह खाली पेट ही ये चीज करनी है आपको स्किपिंग, तो आपका बेली फैट जो है वो बहुत ही इजीली दोस्तों घट जाएगा, पहले दिन से ही आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये मैं उन लेडीज को बताना चाह रही थी जो लोग की को काम बहुत ज्यादा होता है और वो एक्सरसाइज जिम वगैरह में ध्यान कह सकते हैं अपना टाइम नहीं दे पाती, उतना टाइम नहीं होता उनके पास, तो आप ये एक्सरसाइज एक ये चीज कर सकते हैं जिससे आप अपने घर के काम करते हुए भी अपना बेली फैट लूज कर रहे होंगे और आपको बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव भी होगा। क्योंकि अगर मेरे केस में देखने जाऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, बिकॉज बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं घर में, घर के काम करो, बच्चे बीबी को संभालो, फिर वर्क भी करना है, सो इन सब चीजों में कह सकते हैं कि हम एक्सरसाइज को खुद के ऊपर अपना जो ध्यान नहीं दे पाते, लेडीज नहीं ही दे पाती है अपने ऊपर ध्यान, सो आप ये चीज को इंक्लूड करके अपने काम के दरमियान ये चीज कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है और आपका टाइम भी बच जाता है और बहुत ज्यादा पैसे भी बच जाते हैं, कह सकते हैं जिम वगैरह में जाने से बहुत ज्यादा पैसे भी हमारे खर्च होते हैं। और मेरा तो एक ये चीज है कि मुझे ना कुछ भी पीना नहीं पसंद है, जैसे मेरे को अगर कोई कहेगा कि वार्म वाटर पिया करो तो मैं वार्म वाटर भी नहीं पी सकती हूँ डेली बेसिस पे, मुझे ठंडा पानी ही सही लगता है। सो अगर आप वार्म वाटर, मेरे जैसे ही आप भी हैं, अगर आप भी वार्म वाटर नहीं पी सकते तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि वेट लूज करने के लिए वार्म वाटर ही जरूरी, आप जितना हो सके पानी पीजिए, कैसा भी पानी पीजिए, स्टार्ट आप सिर्फ ठंडे पानी से भी कीजिए, आप धीरे 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 करके नॉर्मल पानी फिर वार्म वाटर पे धीरे धीरे आ जाएंगे, अगर नहीं आ पा रहे तो भी इट इज ओके, आप जैसे हैं वैसे ही पानी जैसा भी आप चाहे पी सकते हैं, पानी पीना जरूरी है, कैसा पी रहे हैं वो एक बात का लुकआउट है, बहुत अच्छा है जो लोग वार्म वाटर पीते हैं, बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए भी, और बहुत मैं तो कह सकती हूँ कि बहुत थैंक कि आप बहुत कह सकते ब्रेव मैं नहीं पी पाती वार्म वाटर, सो और बहुत सारी चीजें जिंजर टी वगैरह ग्रीन टी फिर इन सब से ये नहीं पी पाते हम, सो इसके लिए मैंने ये एक ट्रिक देखी जिससे बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं बहुत इफेक्टिव है, ना तो ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, ना ही कुछ कह सकते हैं इसको अलग से टाइम देना है, ना ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ना ही कुछ पीना है, पीना तो बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे, सो वो भी नहीं करना है हमें, बहुत एक इजीली ये इफेक्टिव है अगर आप ये चीज यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, और अगर आपको ये इफेक्टफुल लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आज इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू सो मच।